अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मिशाल सादी, आपकी मेज़बान। आप देख रहे हैं हमारा शो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उन कामयाब ओवरसीज पाकिस्तानियों से करवाते हैं जो कि हकीकी मानों में ना सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं बल्कि अपनी दिन रात मेहनत और काविशों से वतन अजीज का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं। आज के मेहमान आरिफ महमूद साहब एक मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपने वक्त निकाल के हमें अपने साथ शामिल किया आपकी रूटीन में। आरिफ महमूद साहब, इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू की और कारोबार में कैसे आए? मेरी इब्तदाई तालीम गुजरात से है और मैट्रिक मैंने जमींदारा स्कूल गुजरात से किया 1968। इसके बाद जो एफए की तालीम है वो तकरीबन एक साल के बाद जमींदारा साइंस कॉलेज गुजरात से किया और इसके बाद छोटी मोटी जॉब अपने मुल्क के अंदर की और 1975 में मैंने मुल्के गैर का सफ़र शुरू किया। इसका इब्तदा मैंने यूनान से किया, तो मेरी पहली मंजिल थी कि यूनान में जाके मैंने काम किया। उसके बाद तकरीबन 1976 में मैं जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पर मैंने अपना काम शुरू किया। चार साल एक कंपनी में काम किया, उसके बाद कुछ फाइनेंशली मजबूत होने के बाद मैंने अपना जो अपना जेन कारोबारी जेन उसकी तरफ लौटाया और मेरी इब्तदा जो है कारोबार की गुजरात रेस्टोरेंट के नाम से जो जद्दा से शुरू किया। मगर सऊदीया में रहना नसीब नहीं था, कुछ हालात की वजह से वहाँ से मैं वापस आ गया और 1983 में मैंने पहला कदम यूएई में रखा। यूएई में आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले भी जॉब की और तकरीबन 6 साल जॉब करने के बाद मैंने फिर कारोबार में और ये बिल्डिंग मटेरियल जिसका नाम गल्फ जर्नल ट्रेडिंग है उसकी इब्तदा की। अच्छा आरिफ महमूद साहब, ये बताइए कि एक कामयाब बिजनेसमैन में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एक कारोबारी शख्सियत बनने के लिए सबसे पहले उसमें तहम्मुल मिजाजी, ठहराव और मुस्तकबिल को देखने की अहलियत होनी चाहिए। हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता, इसमें देखने वाले सबसे पहले ये बात होती है कि आदमी जब भी किसी भी बिजनेस में जाए तो सबसे पहले उसकी स्टडी करे। आप 4 महीने 6 महीने 1 साल स्टडी करने के बाद उसमें कदम रखें और जब आपको मार्केटिंग करनी आ जाए, आपको हालात वाकयात को समझना आ जाए और जिस जगह भी आप बिजनेस करते किसी दुनिया के किसी कोने में भी कर वहाँ की मार्केट की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। यहाँ वहाँ पे तलब कितनी है, खपत कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे हैं, इस किस्म की चीज़ें, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम किस किस्म के हैं, लोग किस तरह का बिजनेस करते हैं, उसी मार्केट को स्टडी करके आपको अपने पाँव जमाने होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी हो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। महमूद साहब, ये बताइए COVID-19 के बाद लाइफस्टाइल में और बिजनेस में क्या तब्दीलियां देखते हैं आप? जो भी बिजनेस है, जो भी कारोबार है, जो खानाश्री कारोबार होते हैं, ईमानदारी के जो कारोबार, सब के सब ऑनलाइन, किसी आदमी को फेस टू फेस जाके करने की कुछ जरूरत नहीं। जो भी लेन देन है, जो भी सिलसिले हैं, सारे सारे बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन,
कोई किसी के सामने आएगा नहीं, लोग शख्सियत को पहचानेंगे भी नहीं और बिजनेस होते रहेंगे। यह फ्यूचर है, सामने नजर आ रहा है, आप 2-3 साल बाद देखो क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा महमूद साहब, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूई गवर्नमेंट ने COVID-19 के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से काबू पा लिया, तो आप किसको क्रेडिट देंगे, अवाम को या हुकूमत को? यूए गवर्नमेंट ने जो अचीवमेंट की है इसमें सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा यूए गवर्नमेंट को, तो उसने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए और पब्लिक ने गवर्नमेंट का साथ दिया। जो भी गवर्नमेंट ने कानून जो भी लागू किए पब्लिक ने उन्हें फॉलो किए, और इस तरह यूए गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी COVID-19 पे काबू पा लिया। महमूद साहब, आपने कभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोचा? जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो हम लोगों को बड़ा इंसिस्ट करती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और बहुत पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप दे रही है और हम लोगों को मोटिवेट कर रही है कि हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में जैसे आज के दिन में हमारे अदारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, और हम जो लोग बाहर बैठे हुए हैं हमारा दिल करता है कि हम भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मगर रूल्स और रेगुलेशन जो है वो दुनिया के रूल्स रेगुलेशन से मैच करने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सारे शोबे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे शोबे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मगर रूल्स और रेगुलेशन जो है वो दुनिया के साथ मैच होते नजर आए, कोई कमजोर पॉइंट ना आए जिससे कोई फायदा उठा सके। अगर गवर्नमेंट अच्छे हालात पैदा करती है तो मुझे खुशी हुई थी कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँ। दुबई एक बिजनेस हब की पोजीशन रखता है, नए आने वाले कारोबारियों को क्या एडवाइस करेंगे? बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट जो है इसकी पॉलिसी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पॉलिसी है इन्वेस्टर के लिए। इसमें देखने वाली ये बात है कि जो हजरात इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको आते हुए जब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनको खुद बहुत नजर आ जाएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं और लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोग पैसा कमाते हैं। और सेकंड यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बेवजह किस्म का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री कंट्री है, और इंसान जो है अपनी हॉनेस्टी से जहाँ भी बिजनेस करेगा वो बेहतरीन पैसे कमाएगा, और ये एक बेहतरीन जगह है कारोबारी शख्सियत के लिए, वो काम करें और पैसे कमाएं और दुनिया के खूबसूरत शहर में रहें।